नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से, साथ में चरण शिक्षक बहाली को लेकर और जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए दो बड़ी खबर सचिवालय से आ रहा है, जो अपडेट आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कैंडिडेट देख लीजिए, आज सचिवालय गए थे साथ में चरण शिक्षक बहाली को नोटिफिकेशन को लेकर। इनका नाम थोड़ा सा हम भुला रहे हैं, जैसे ही मेरे पास नाम आएगा हम बताएंगे, और अगर इनसे हमारी बात होती है तो इनका लाइव इंटरव्यू भी हम आपको चलवाएंगे, अगर बात होती है तो, क्योंकि इनका नंबर मेरे पास नहीं है। खैर, जितना भी मेरे पास अपडेट आ रहा है वो हम इस वीडियो में ही आपको हम बता दें, क्योंकि ये लेटर के साथ, आवेदन के साथ सचिवालय गए थे और क्या इनका मांग है साथ में चरण को लेकर उसका पूरा एनालिसिस करके बताएंगे। और जो 42,000 नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको पदस्थापन को लेकर क्या लेटर जारी किया गया विभाग की तरफ से, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस खबर को विस्तार से देखते हैं। उससे पहले, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि बिहार शिक्षक नियोजन से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आए ऑफिशियल, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। देख लीजिए, आज ये सचिवालय गए थे, यहाँ रवि प्रकाश से और संजय सर से इनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, लेकिन लेटर में ये क्या क्या लिखे हैं वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, एक लेटर लिखा गया है, ये लेटर बाद में आप बताएंगे, पहले जो नवयुक्त शिक्षकों के लिए जारी किया गया है लेटर वो हम आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, एक लेटर जारी हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के तरफ से, 21/3 यानी कि 21 मार्च को ये जारी किया गया है, नवनियुक्त शिक्षकों के योगदान संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। जी हां, दो दिन के बाद इन शिक्षकों का एक महीना पूरा हो जाएगा और एक महीने के अंदर ही इनको विद्यालय योगदान करना है, यानी तो क्या क्या समस्या आ सकती है वो देखना पड़ेगा। प्रेषक है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग भागलपुर के तरफ से लेटर जारी किया गया है। सेवा में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर, विषय नवनियुक्त शिक्षकों के योगदान संबंधी प्रतिवेदन के उपलब्ध कराने के संबंध में, प्रसंग हदो हस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 886 दिनांक 14/2/2022 के आलोक में, यानी कि 14 तारीख को जो लेटर निकाला गया था 14 फरवरी को, उसके आलोक में ही ये बात कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि महाशय उपयुक्त विषयक कृपया प्रशासनिक पत्र का स्मरण करें, यानी कि पहले जो पत्र 14 तारीख को जारी किया गया है उस पत्र का आप स्मरण करें कि उसमें क्या बातों का जिक्र किया गया था। उक्त पत्र के माध्यम से विहित प्रपत्र में नवनियुक्त, यानी कि जितने भी नए शिक्षक का ज्वाइनिंग हुआ है, नवनियुक्त शिक्षकों के योगदान संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई थी, यानी कि स्कूल से मांगा गया था कि जितने भी नवयुक्त शिक्षक स्कूल में योगदान लिए हैं उनका आप प्रतिवेदन दीजिए। लेकिन आज की तिथि तक, यानी कि 21 मार्च की तिथि तक, किसी भी प्रखंड से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जो खेदजनक है। यानी कि 14 तारीख को ही प्रतिवेदन या कोई भी लेटर जारी हुआ था, उसके लेटर में अनुसार कहा गया था कि जितने भी प्रखंड है हर एक प्रखंड से आप अपना एक लेटर जारी कीजिए, उनका एक फॉर्मेट भी जारी किया गया था विभाग के तरफ से, उसमें आप आंकड़ा दीजिए कि आपके स्कूल में कितने नवयुक्त शिक्षक योगदान अभी तक दे चुके हैं। अंकनीय है कि चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन पत्र निर्गत करने की अवधि एक माह पूरा होने का है। जी हाँ, 23 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिला था और आज की से दो दिन के बाद आपको एक महीना पूरा हो जाएगा। अतः स्मारित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन दिनांक 23/3/2022 तक, यानी कि 23 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि फिर इनको दो दिन का समय दिया गया है और कहा गया है कि दो दिन के अंदर आप फिर प्रपत्र के माध्यम से प्रतिवेदन दीजिए जितने भी चयनित नवनियुक्त शिक्षक हैं। यहाँ देख लीजिए, अनुसलंका किया गया पत्रांक संख्या 886 दिनांक 14/3/2022 के 6 प्रति संलग्न, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भागलपुर शिक्षा विभाग भागलपुर, आज के डेट में ये लेटर जारी किया गया। तो ये नवनियुक्त शिक्षकों के लिए लेटर था जो हमने आपको बताया। और अब चलिए सातवें चरण को लेकर, कि क्या मांग को लेकर
सचिवालय गए थे उनका अपडेट हम आपको दे देते हैं। यहाँ पे देखिए एक लेटर है, इसमें 21/3/2022 का जिक्र किया गया है, यानी कि आज के डेट में 21 मार्च का है। वितरण शाखा है, देख लीजिए यहाँ पे शिक्षा विभाग बिहार, सेवा में श्रीमान विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, यानी कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास ही डायरेक्ट ये लेटर आवेदन दिया गया है। विषय क्या है, ऐसे सबके पास दिया रहता है, फॉर्मेट एक ही होता है, सिर्फ ऊपर का नाम चेंज कर दिया जाता है। यही फॉर्मेट आपको प्राइमरी के जो डायरेक्टर हैं उनके पास भी गया होगा, जो सचिव हैं शिक्षा विभाग के उनके पास भी गया होगा, संजय सर के पास भी गया होगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास। विषय क्या है, तो सातवें चरण के प्राथमिक शिक्षक बहाली में वर्ष 2021 तक के रिक्ति देने, यानी कि जो जितने पीछे बचे हुए हैं सीट हैं उनके रिक्ति की मांग की गई है कि 2021 तक के रिक्ति देने और बचे हुए छठे चरण की 50,000 रिक्ति को विघटित कर, यानी कि जो 50,000 सीट है उसको यूआरएफ में बदल कर वर्ष 2021 तक के रिक्ति में जोड़ने के संबंध में, यानी कि 50,000 सीट है उसमें आप देख लीजिए आपका यूआर का सीट नहीं होगा, यूआरएफ का सीट नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस का सीट नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस फीमेल का सीट नहीं होगा, बीसी का सीट नहीं होगा, बीसी फीमेल का, ये चार कैंडिडेट ऐसे हैं, चार कैटेगरी ऐसे हैं इसमें आपको सीट नहीं मिल सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये सीट फुल होगा। अगर कहीं कहीं सीट खाली होगा तो वो आपको हम बता देते हैं, उर्दू में जाके ये सीट खाली होगा। बाकी सीट आपको किसका खाली होगा, तो एससी का खाली होगा, एससी फीमेल का खाली होगा, एसटी का खाली होगा, एसटी फीमेल का सीट खाली होगा, ये सीटें मिलके आपको 50,000 होता। इसी चीज़ को कह रहा है तोड़ने के लिए कि आप इसको तोड़ के आप यूआरएफ में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थी इसी के हैं। तो महाशय उपयुक्त विषय के संदर्भ में महोदय से निवेदन है कि बिहार में 2.5 लाख से ज़्यादा सीट खाली है और हम बीटेट एवं सीटेट पास अभ्यर्थी कई वर्षों से सातवें चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं। सबने निवेदन है कि सातवें चरण के प्राथमिक और साथ ही पुराने बचे हुए छठे चरण की 50,000 रिक्ति को विघटित कर सीटों को यूआर और यूआरएफ में बदल कर कोटिवार वितरित कर वर्ष 2021 तक के रिक्ति में जोड़कर सातवें चरण की प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी किया जाए। महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाना है कि आरक्षण नियम के अनुसार किसी रिक्ति पर 3 बार बहाली होने के बाद उस रिक्ति को विघटित कर, यानी कि यूआर या यूआरएफ में बदल कर कोटिवार विपरीत किया जा सकता है। अतः महोदय से निवेदन है कि ऐसा करने की कृपा की जाए। विश्वास वजन समस्त सातवां चरण प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी, अच्छा ये विनीता मैम है, उनके तरफ से ये लेटर दिया गया है माननीय शिक्षा मंत्री जी को, जो अभी हमने आपको फ़ोटो दिखाया था, ये देख लीजिए विनीता मैम ही हैं, इनका नंबर मेरे पास नहीं है, अगर नंबर होता तो हम इंटरव्यू आपको ज़रूर देते। तो खैर जो भी अपडेट मेरे पास आया है वो सटीक और सही है, ऑफिशियल है, और भी कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।